चलो चलो मैंडी जल्दी बैग पैक कर लो, फिर निकलना भी है हमें। बैग सामान सारा रख दो गाड़ी में। चलो ठीक है फिर हम निकलते हैं, अभी निकलने का समय हो गया। ओके ओके बाय बाय बाय, ठीक है जा रहे जा रहे। तो ये कच्ची गिरी खा रहे हैं अभी हम, मतलब नारियल से निकलती है जो, और तलवाड़ा जस्ट क्रॉस किया है। इसके बाद हमारा प्लान है कि हम शायद क्या जाएंगे क्योंकि गुरुद्वारा साहिब रास्ते में पड़ते हैं, आनंदपुर साहिब में रुके हुए काफ़ी समय हो गया हमें। सो अभी वहाँ पर रुकेंगे। ऋषि और आस्था हमारे साथ ही ये पीछे बैठी हुई है। सो लोकेशन ये भी काफ़ी अच्छी, फैमिली के साथ कभी वीकेंड पे यहाँ पे आ सकते हो। नीचे बोटिंग वगैरह भी हो जाती है, काफ़ी अच्छे व्यूज़ आपको यहाँ से मिल जाते हैं। तो लो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं आनंदपुर साहिब में, यहाँ गाड़ी पार्क कर देते हैं, फिर माथा टेकेंगे और आपको भी दर्शन करवाएंगे, और साथ में इतिहास भी मैं बताता हूँ आगे चल के, जितना नियर वाइज पॉसिबल हो सकता है। आगे लगाते हैं ना, फिर चलना कम पड़ेगा। तो जूते हमने जो है वो यहाँ पे नहीं उतारे क्योंकि आगे जाके जमा करवा देंगे जोड़ा घर में वहाँ पे। और ये जा रहा है रास्ता पैदल, और आजकल ज़्यादा रश भी नहीं है। जी एम आ जाओ जल्दी, आगे आ जाओ। तो चढ़ाई ये एकदम ना खड़े वाली है, मतलब दम लग जाता है थोड़ी सी, बट एकदम दम लगा के चढ़नी पड़ती है पूरी। और ये लेफ्ट साइड वाली जो एरिया है, आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हो, यहाँ पे फोटोग्राफ्स वगैरह लेनी है वो ले सकते हो। राइट साइड में गुरुद्वारा जोड़ा घर। तो चलो अभी अंदर दर्शन भी करवाता हूँ और साथ में इतिहास भी बताता हूँ। तो इतिहास की अगर बात करें तो गुरुद्वारा साहिब का नाम ये पाँच तख्तों में आता है और केसगढ़ साहिब के नाम से जाना जाता है। ये गुरुद्वारा आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा की नींव जो थी 1664 ईस्वी में श्री गुरु तेग बहादुर जी ने रखी थी, उन्होंने बनाया था इसको। तो वास्तव में जो गुरुद्वारा साहिब की नींव है वो 1689 में रखी गई थी, जबकि 1664 में जो है वो चक माता नानकी के नाम से इसको बसाया गया था। और यहाँ से गुरु गोविंद सिंह ने बहुत सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी और कौतक किए। और इस गुरुद्वारे की खास बात है कि यहाँ पर होला मोहल्ला जो है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो अभी हमने अंदर दर्शन कर लिए हैं और ये मैंने प्रसाद भी ले लिया है। तो मैं बता रहा था होला मोहल्ला के बारे में, जिसमें निहंग सिख बहुत सारी यात्राएं, शोभा यात्राएं निकालते हैं और अपनी पोशाकें पहनकर अपने शस्त्र चला के अपनी विद्या का प्रदर्शन करते हैं। और इस पर्व को होली वाले दिन मनाया जाता है। और ये पर्व की शुरुआत जो है श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में शुरू किया था इस पर्व को मनाना। ऐसा माना जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने जब सभी लोगों को एकत्रित किया था तो वो इस पीपल पेड़ के आसपास ठहरे थे। तो इस पीपल के पेड़ को लोग आकर नमन करते हैं। और इस साइड रहा लंगर हॉल, नीचे आप लंगर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि लंगर ज़रूर सकना चाहिए। और एक चीज़ मैं और बोलता हूँ कि कोशिश करें, टाइम लगे तो सेवा ज़रूर करें, अन्यथा दान ज़रूर हमें वहाँ पे डालना चाहिए, कुछ ना कुछ जो भी अपनी श्रद्धा बनती है। और रियलिटी इक्वालिटी का यही एक एग्ज़ाम्पल है पूरे वर्ल्ड में, जहाँ पे ऊंच नीच जात पात का सारा भेदभाव ख़त्म हो जाता है। गरीब अमीर सारे जो हैं वो एक ही पंक्ति में बैठ के खाना खाते हैं। और ये जो राइट साइड में बिल्डिंग बनी है, ये सारी सराएं हैं। अगर आप लेट हो जाते हो, आपको रुकना पड़ता है, तो आप बहुत ही नॉमिनल से रुपीज़ पैसे देके यहाँ पे ठहर सकते हो और रात गुजार सकते हो। देखिए सभी श्रद्धालु अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ लंगर छकने के बाद लंगर हॉल से वापस आ रहे हैं। सो सदा इन पर कृपा बनी रहे। पैसे थोड़े ना निकलवाने, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसे ख़त्म हो चुके हैं। बहुत सारी छुट्टियाँ काटी ना, सारे पैसे उड़ा दिए। हाँ आप जाओ, आप करके आओ, शाबाश जाओ। सो गाइस अभी हमने माथा भी टेक लिया और अभी वापस नीचे की ओर आ रहे हैं गाड़ी की ओर। और उतराई जो है ये उतरने में बहुत तीखी सी है, मतलब उतरती बार आप पैर जो है नीचे की ओर एकदम से फिसलता जाता है। काफ़ी शाम हो चुकी है, सूरज भी ढलने को है। तो जैसे ही हम नीचे उतरते हैं ना, यहाँ आसपास में मार्केट है, आपने लेना है या कुछ घर के लिए या बच्चों के लिए कुछ लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हो। अब हम पार्किंग में आ चुके हैं, वो रही हमारी गाड़ी, और अभी हम इसमें बैठ के जो है वो पिंजौर में रीच करेंगे थोड़ी देर में। 2-3 घंटे, मतलब 2 घंटे का सफ़र अभी और है। चलो आ जाओ फिर, बैठो जल्दी आ जाओ, बैठो चलते हैं। सो लो जी हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं। टाइम मैं एक बार आपको बता देता हूँ, ये देखिए 7:17 हो चुके हैं। तो अभी जस्ट पहुँचे हैं, बच्चे घर जा रहे हैं, मैं गाड़ी पार करके अभी घर पहुँचूंगा। देखो यार सामान जो है वो यहाँ पे डंप किया है फिलहाल, पर इतना ज़्यादा सामान हो गया था कि मतलब उतार के पता चल रहा है कि यार इतना ज़्यादा सामान हम गाड़ी में ही लेके आए हैं क्या। और कल हमें जाना पड़ेगा चंडीगढ़, और ये जो फुटेज अभी चंडीगढ़ की है ये नेक्स्ट डे इवनिंग की है। मैं और मैंडी कुछ सामान लेने के लिए गए थे वहाँ पे। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं कल और एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।